हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग देख रहे हो कि बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं भाई। तो ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है और ये घर कहाँ का है, किसका घर है, हमारा है या मेरे मायके का घर है, तो सभी डिटेलिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रूफ के साथ में, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने पढ़े थे। क्योंकि देखो, एक इंसान के दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलती रहती हैं तो वही सारे कॉमेंट भी करते रहते हैं। तो बस इसलिए मैं प्रूफ के साथ में बताने आई हूँ आप लोगों को कि आप लोग कॉमेंट कर रहे थे कि मम्मी शॉपिंग क्यों नहीं कर रही हैं, क्या शादी में इन्वॉल्व नहीं है मम्मी, मम्मी की पसंद से नहीं है क्या, बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के। तो उन्हीं सवालों के जवाब लेने के आ गई हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे काम करवाना शुरू कर दिया है। लेट बाथ बनवाने थे हम लोगों को और साथ में ही हमें एक बरामदा टाइप का कह सकते हैं टीन सेट डलवानी थी, इसमें एक रूम स्टोर रूम टाइप का भी कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे वही तैयारियाँ चल रही हैं, तो इसी कामों में बिजी हैं मम्मी, तो इसलिए वो शॉपिंग करने नहीं जा पा रही हैं। और बॉबी भाई रहते हैं बाहर, यानी कि ग्वालियर रहते हैं बॉबी भाई, और पापा मेरे रहते हैं ड्यूटी, वो भी ग्वालियर ही जाते हैं और शाम को घर में आते हैं। और जैकी भाई का अभी स्कूल नहीं है, वरना वो टीचिंग करते हैं, तो वो भी स्कूल अभी तो खैर शुरू हो गए हैं स्कूल, बच्चे नहीं आ रहे हैं लेकिन टीचर्स जाने लगे हैं स्कूल, तो मतलब वो भी बिजी हैं। तो बस सिर्फ मम्मी ही हैं, तो मम्मी ने काम ये शुरू करवा दिया है, मतलब अब शुरू तो हो ही चुका था। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रूम टाइप का बनवा रहे हैं स्टोर रूम, जो कि हमारा नीचे सामान पड़ा हुआ था, जैसे ड्रम वगैरह है स्टोर, तो टंकियाँ हैं, बक्से हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख जाएंगी आराम से। तो मतलब छत वगैरह नहीं डलवा रहे हैं, सिर्फ टीन सेट ही डलवा रहे हैं। तो और लाइट बाथ भी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, तो बस यही हो रहा है। तो इन्हीं कामों में बिज़ी हैं मम्मी, तो वो भी मार्केट नहीं जा पा रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये वीडियो जो है कि मैंने जैकी भाई से ले लिया था, उन्होंने मतलब इसको बना लिया था वीडियो को, तो मैंने उनसे ले लिया है। तो थैंक यू जैकी भाई। और बस यहाँ पे टीन सेट अभी डल चुकी हैं और लेट बाथ भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे चल रही हैं तैयारियाँ रूम को पेंट वेंट करने की, क्योंकि हमारे घर में पेंट नहीं था, नहीं हुआ था, तो इसी वजह से अब बॉबी भाई का रूम तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो अभी पुट्टी वगैरह तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में जो घिसाई वगैरह होती है, कलर्स वगैरह होते हैं, तो वो नहीं हुए थे, तो उसके बाद में अभी ये करवा दिए हैं। और यहाँ पे जो कलर देख रहे हो आप लोग, स्काई ब्लू कलर है और साथ में बेबी पिंक कलर की एक वॉल करी है, एक दीवार पे बेबी पिंक कर दिया है। तो आप लोगों को पता है कि बेबी पिंक लड़कियों का कितना ज़्यादा फेवरेट होता है, तो बस इसीलिए दोनों की पसंद से ही है। और बस यहाँ पे कलर चल रहा है, तो सीलिंग में कलर वगैरह नहीं करवाया है। मैं बोल रही थी बॉबी भाई से, इसी टाइम पे मैंने वीडियो कॉल भी किया था उनको कि सीलिंग में कलर करवा लेना, अच्छा लगता है, जैसे कि हम क्योंकि कलर डबल डबल हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर वो ये बोलने लगे कि नहीं प्लेन अच्छी लग रही है, तो इसलिए नहीं करवा रहे हैं हम। और यहाँ पे एक दीवार पे उन्होंने कुछ हैशटैग टाइप का बनवाया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं टैपिंग की हुई है यहाँ पे, तो हैशटैग का शाइन बना हुआ है। और अभी तो एक ही दीवार पे पेंट हो रहा है, और तीन दीवार एक कलर की है और एक दीवार बेबी पिंक कलर की है, तो इस टाइप का कोई पेंट किया गया है। और ये जो पेंट का कलर है वो बॉबी भाई की पसंद से ही है। तो यहाँ पे ये बेबी पिंक है, और ये जो रूम है यही मेरी जो आने वाली भाभी हैं वो उनका रूम है। और ये जो रूम बना हुआ है ना, ये सेकंड पोर्शन में बना हुआ है और ये रूम थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो इसमें कर देते हैं। तो मामू भी आए हुए थे साथ में, मतलब बॉबी भाई के साथ में ही आ गए थे मामू, तो उन्होंने ही आइडिया दिया था हैशटैग वाला, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे कि इस पर एक वॉलपेपर लगवा लेते हैं, लेकिन फिर बॉबी भाई ने मना किया ना कि सिंपल ऐसे ही पेंट कर लेते हैं और कुछ ऐसा डिज़ाइन या टेक्सचर ऐसा कर देंगे एक दीवार पे तो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मामू का आइडिया मामू को एक आइडिया आया कि इस तरह से एक हैशटैग बना लेते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, सिंपल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए उनका ये आइडिया है। बस यहाँ पे वाकई में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक तो ये बेबी पिंक कलर की दीवार है, ऊपर से ये वाइट कलर के हैशटैग मतलब बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये।
तो अभी टैपिंग से करते हैं ये सब कुछ। तो टैप पहले लगा देते हैं, उसके बाद में पेंट कर देते हैं, और उसके बाद में अभी ये ड्राई हो चुका है तो इसका जो टैपिंग है वो निकाल देते हैं। और ये जो रूम है ना, एक ही दिन में कंप्लीट किया गया है। मतलब वैसे होता है कि पहले पुटिंग करते हैं, फिर प्राइमर करते हैं, फिर घिसाई करते हैं, फिर से करते हैं पेंट वगैरह। तो मतलब इससे सारी चीज़ों को करने में सिर्फ एक दिन लगा है, और एक ही दिन में उन्होंने सारा रूम तैयार कर दिया था, तो बहुत जल्दी कर दिया उन्होंने। और ये जो पेंट करने वाले भैया हैं, तो वो डबरा से आए हुए थे, मामू ही लेकर आए थे इनको। तो एक दिन में कितना जल्दी तैयार कर दिया ना रूम, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो रूम तो हो गया है भाई तैयार, और अब देख लेते हैं हमारी लेट बाथ भी तैयार हो चुकी है। ऊपर वाली जो बन रही थी, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगवा दी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे टाइल्स लगे हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। स्पेशली ये पापा की चॉइस के हैं, पापा ही लेकर आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन प्रिंट मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन अभी इसमें टैप वगैरह नहीं लगे हैं, नल नहीं लगे हैं, तो अभी वो भी लग जाएंगे। लेकिन अभी पूरा फुल तैयार हो चुका है ये लेट बाथ दोनों। और इसी के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी पर्पल हॉल, तो उसको भी इंजॉय कर लीजिएगा। और आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो आज से मुझे पर्पल की तरफ से कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, सो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए। सो ये है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। तो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें रिसीव हुए हैं, और इसकी जो भी पैकेजिंग थी वो सब मैंने हटा दी है, क्योंकि मैंने इसको खोलकर देखा था, ओपन करके इसको। ये पूरे बबल रैपिंग से रैप होकर आते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ में आते हैं। तो मतलब कुछ भी जो भी हम प्रोडक्ट मंगाएंगे तो मतलब टूटने वूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले। तो ये पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे रिसीव हुआ है, ये है पर्पल बी और आउंड बी एफ एफ कॉम्पैक्ट विथ एस पी एफ के साथ में हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका जो कलर शेड है वो आइवरी कलर है। तो इसका सभी का लिंक मैं जितने भी प्रोडक्ट आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रोडक्ट मन से रिसीव हुए हैं वही प्रोडक्ट आप लोगों को भी मिल जाएंगे। और पर्पल पर बहुत सारी भी डिस्काउंट चल रहे हैं, 40% डिस्काउंट चल रहा है पर्पल पे, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर से करिए। 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक है, और 40% डिस्काउंट मिल रहा है पर्पल पे। और काफ़ी सारे जैसे कि गुड वाइब्स हैं, एन वाई वे हैं, तो इन सभी पे भी छूट मिल रही हैं, तो आप लोग देख लेना। और ये है गुड वाइब्स का संदलवुड रोज़वुड हाइड्रेटिंग एंड प्योरीफाइंग टोनर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैंने इसको 2-3 बार लगा भी लिया है, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टोनर है ये। और इसका जो प्राइस है वो 245 रुपीस है। 120 ml की बॉटल हमें यहाँ पे मिल जाती है, और बस यहाँ पे हमें ये है गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट फेसियल एसेंस। इसकी जो क्वांटिटी हमें मिल रही है वो है 10 ml की, और देख लेते हैं कि अंदर कैसा निकलता है ये। मैंने इसको देख तो लिया था, तो कुछ इस टाइप से है, कहाँ गया, इसके ऊपर प्लास्टिक लिड लगा हुआ था, और पूरी ग्लास बॉटल है। तो इसके भी काफ़ी सारे फ्लेवर हमें मिल जाते हैं इस टाइप से। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सच में बहुत ज़्यादा, और एसेंस तो होते ही हैं, फ्रेग्रेंस उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, और लाइट फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा ऐसी नहीं कि सिर चढ़ जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें पसंद नहीं है, मेरा सिर दर्द करने लगता है उनकी वजह से। और तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एन वाई वे का दी बैलेंस बोरोस पी एच बैलेंस स्किन न्यूट्रलाइज़र।
तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है दी, तो ये है एक टोनर की तरह ही काम करता है। इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि हम मेकअप से पहले हम इसको टोनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर हमारी कोई भी ऑयली स्किन है तो हम ले बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, तो उसके बाद में जैसे कि कॉम्पैक्ट हुआ, हमारा फाउंडेशन हुआ, हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो चेहरा है कि थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा टोनर है ये, हमारा जो मेकअप है एकदम काला नहीं पड़ेगा। तो ये काम किन किन चीज़ों में करता है, हेल्प इन स्किन रिपेयर, एब्जॉर्ब क्विकली, ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है और कीप द स्किन सॉफ्ट, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, इजी टू अप्लाई। तो ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इसके पॉइंट्स कि ये किन किन चीज़ों में काम करता है। साथ ही साथ में हमें पर्पल का ट्रू जेवल 24 के गोल्ड प्राइमर हमें ये रिसीव हुआ है। इसका प्राइमर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही लाइट वेट प्राइमर है और पंप के साथ में हमें मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए इतना सा लगाना है। और ये जो बॉटल है बहुत ही प्यारी सी है, और इसी के साथ में हम पर्पल के जो भी मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं ना, इसके साथ में एक मेकअप भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, अपना एक मेकअप वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है NYWay का प्राइमर, मिनिमाइज पोर्स, ब्लेंड लाइक एंड ड्रीम, हाइड्रेटिंग एंड नेचर। ये पोर्स को, हमारे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो क्वांटिटी हमें मिल रही है यहाँ पे 15 ग्राम की, तो ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ में यहाँ पे हमें पर्पल का काजल मिल जाता है, विंकिंग टुगेदर काजल, और इसका काजल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर्पल का मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल स्मच फ्री होता है, रेट थोड़ा सा हैवी होता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसी के साथ में हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है ये डीप सनकिस्ट 7 का एस्टे क्विकी का है, बाइट एंड हाइड लिक्विड कंसीलर, ये कंसीलर है। और इसके सभी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और एक और कंसीलर हमें रिसीव हुआ है, ये है पोर्स क्लीन अफेयर 1, बाइट एंड हाइड का ही है और यह है लिक्विड कंसीलर। और इसी के साथ में हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है आई शेडो पेंसिल, स्टे क्यूकी का ही है आई शेडो पेंसिल, इसका जो कलर है ऑल द मूवी 2, और इसका कलर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है, और बाद में सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों को डिटेलिंग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसके साथ में एक मेकअप शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, मेकअप वीडियो। तो इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, इसका जो लिड है वो इसी के अंदर फंसा रह गया है। और इसी के साथ में हमें एक और आई शेडो पेंसिल रिसीव हुई है, इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर में है ये। तो यहाँ पे हमें ये स्टे क्विकी की मैट लिपस्टिक रिसीव हुई है, इनका जो कलर है वो ब्राउन कलर है इसका, और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस, बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत भारी भारी सा कुछ लगा लिया है, बहुत ही जैसे हमारे लिप्स है ना उसी में मैच करता हुआ ये कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है पर्सनली, और मुझे ऐसी ही लिपस्टिक अच्छी लगती हैं डेली में। और यहाँ पे ये भी है एस क्यू की लिपस्टिक है, स्टे क्यू की है, और इसी के साथ में यहाँ पे शेड नंबर वगैरह सभी कुछ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनका कलर क्या है और टेक्सचर क्या है सभी चीज़। और यहाँ पे ये भी हमें ब्राउन कलर ही मिल जाता है, ये भी न्यूड कलर है एकदम, तो मैंने जो भी कलर मंगाए हैं वो एकदम न्यूड कलर ही मंगाए हैं, क्योंकि मुझे डेली के लिए चाहिए थे इसीलिए। और यहाँ पे मैंने 3 लिपस्टिक मंगाई हुई है, तो ये भी स्टे क्विकी की ही है, इसका कलर ब्राउन कलर है, इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है, तो अभी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके बाद में यहाँ पे हमें गुड वाइब्स के एलोवेरा सूथिंग समर मॉइस्चराइज़र मिल जाता है, इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं, जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है इसमें, टी ट्री एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसको डिटेलिंग में आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग एंड नो मिनरल ऑयल होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें काफ़ी सारे हमें
इसके साथ में हमें ये मिल जाता है गुड वाइब्स का ही पपाया ब्राइटनिंग स्लीपिंग मास्क। ये स्लीपिंग मास्क है, तो अभी आप पूछोगे कि अभी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्लीपिंग मास्क है तो क्योंकि हम जब भी मास्क वगैरह अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा फेस जो है कि ना बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा सा लगने लगता है सूखने के बाद। लेकिन ये मास्क जो है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। पपाया का फ्रेग्रेंस है इसमें और नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग। गुड वाइब्स के मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट जो भी होते हैं बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए हुए होते हैं, और साथ ही साथ में इसका जो मास्क है उसको अप्लाई किस तरह से करना है वो सभी डिटेलिंग में आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ में मैंने मंगाया था यहाँ पे गुड वाइब्स का मलवेरी डिपिगमेंटेशन स्लीपिंग मास्क। ये भी स्लीपिंग मास्क ही है, तो इसके कई सारे फ्लेवर हमें मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पपाया का और एक मलवेरी का मंगाया, तो आप लोग कोई भी मंगा सकते हैं। तो पर्पल की तरफ से मुझे यही सारे रिसीव हुए थे प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में बताया, लेकिन इसके साथ में मैं एक मेकअप वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे प्रोडक्ट खोल खोल कर देखे थे और इसको इस्तेमाल करके देखा था, तो यहाँ पे इसके रैपर भी पड़े हुए हैं। ये सब मैंने हटा दिए हैं क्योंकि थोड़े से फट गए हैं कहीं कहीं से, इसलिए मैंने इनको हटा दिए हैं। तो ये है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग टाइम, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज गार्लिक पराठा और साथ में आलू का पराठा भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गार्लिक पराठा बना रही हूँ, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट मैंने क्या क्या लिए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है बटर एक बड़ा चम्मच भर के, और साथ में मैंने गार्लिक की दो तीन कलियाँ ले ली हैं तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधी चम्मच से कम ओरिगेनो, और इसी के साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और बटर तो हमारा सॉल्टेड है ही, अगर आपका सॉल्टेड बटर नहीं है, सिंपल बटर है, तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फिर भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था इसमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये आटा है, इसको मैंने गूंथ लिया है, और इसके बाद में ये बटर थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है मैंने तवे के ऊपर रख के, और अभी हम गार्लिक पराठा बनाना शुरू करेंगे। और गार्लिक पराठा बनाना बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ में अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, वरना तो ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया था लोई का, उसके बाद में यहाँ पे उसको बेल लिया है रोटी की तरह बड़ा सा, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये बटर और गार्लिक और ये जो भी मसाले ऐड करके मैंने इसमें एक बैटर बनाया था वो हम डाल लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। और मैं अभी थोड़ा सा ही बनाकर देख रही हूँ, सिर्फ दो पराठे ही बनाकर देखूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं बना रही हूँ, पता नहीं ये कैसा लगेगा क्या लगेगा, इसलिए नहीं बनाया मैंने। और सभी लोगों ने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था सबको, तो फिर मैंने और बनाए थे। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ये जो बैटर था, मतलब बटर था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया अच्छे से, उसके ऊपर से मैंने ये मैदा स्प्रिंकल कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे इसको ऐसा रोल कर देंगे। और रोल करने के बाद इसको इस तरह से कर देंगे और फिर फ्लैट कर देंगे, और फिर से हम इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। और इसको बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया है, वो वीडियो में कैप्चर हो ही नहीं पाया। तो मैंने दो तरीके से इसको बनाए थे, और बनते तो एकदम सिंपल ही हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आप अपने हिसाब से रख लेना पराठे को, जितना बड़ा आप करना चाहते हो या जितना मोटा आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड से सिक चुका है, और अभी मैं पलट देती हूँ और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी घी।
तो दोनों साइड से पलट पलट के मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, इसके ऊपर घी लगा दिया है और ये दोनों पराठे हमारे बनके हो गए हैं तैयार। एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अगर आप इसको खाली भी खाना चाहते हैं, सूखा मतलब ऐसे ही बिना कोई सॉस के, बिना कोई सब्जी के, तो आप वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। वैसे अगर आप खाना चाहें इसको तो आप पनीर के साथ में या फिर आप दाल मखनी के साथ में, किसी के भी साथ में इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, तो आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे पहले ही और वो हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, तो ये नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसका अच्छे से मिक्सचर बना लिया है। मैंने पराठे के मिक्सचर को फ्राई नहीं किया है, वैसे मैं फ्राई करके बनाती हूँ लेकिन ये मैं आज कच्चा ही बना रही हूँ और ये भी अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे जुड़े अगर आप लोगों को कोई भी सवाल करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको जवाब भी कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम इंस्टाग्राम पे भी कर लेंगे बात, है ना। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।